कैबिनेट सब कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कमेटी के चेयरमैन हैं। एसएमसी शिक्षकों की पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई थी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी इसके सदस्य हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से बने हुए हमारे साथ मुसलसल, उन्हीं का रुख करेंगे एक बार फिर। प्रदीप, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी खत्म हो गई है। एसएमसी शिक्षक और कंप्यूटर टीचर्स मिलकर कुछ अपनी मांगे उठा रहे थे, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। आप बताइए क्या नतीजा निकला इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए जो एसएमसी की मांगे चल रही है उनको नियमित करने की मांगे चल रही है, उनको उसकी नीति बनाने को जो उनकी मांग चल रही है उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट सब की बनाई गई है। उसकी आज फाइनल बैठक की हुई है, अंतिम बैठक की हुई है और इसमें कुछ सुझाव इस कमेटी की तरफ से की। हालांकि इसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो उन्होंने कहा कि अभी पहला अधिकार उनको लगता है अगर तो उन सिफारिशों को मानना है तो फिर पॉलिसी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले 9 फरवरी की बैठक तैयार करना होगा कि इसको लेकर पॉलिसी क्या बनाई है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने दिया है कि हमने सकारात्मक पॉलिसी बनाई है, इनके अधिकारों का संरक्षण हो, इनका भविष्य सुरक्षित हो, तो आधार बनाकर हमने इस पॉलिसी को तैयार किया है। इसका एक तरह का ड्राफ्ट हमने तैयार किया है, जो रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है हम कैबिनेट में रखेंगे, अप्रूव किया जाए ताकि जो प्रशिक्षक है 1300 के करीब और ऐसे शिक्षक है 2100 के करीब, उन शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो और कोई रोजगार को लेकर कोई चिंता ना रहे और नौकरी जाने का खासतौर पर खतरा ना रहे, इसको लेकर ये जो पॉलिसी है वो तैयार की गई है। क्योंकि पॉलिसी में सारी पेचीदगियां भी हैं, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि कोर्ट में जाकर चैलेंज हो या इसमें कोई और ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाए कि उस वजह से ये इम्प्लीमेंट ना हो पाए, तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखी गई है। और आज शिक्षा विभाग ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन इसमें दी है, शिक्षा सचिव यहाँ पर मौजूद रहे, उस तरह के प्रेजेंटेशन दी। हालांकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो एसएमसी शिक्षक है वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिमला में भी वो अनशन पर डटे हैं और बैंडों साइन का भी उनकी तरफ किया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो पॉजिटिव रहे और हमने उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी तैयार की, उनका भविष्य में सुरक्षित रहेगा। उन्होंने पूर्व सरकार पर भी आरोप लगाया भाजपा सरकार पर कि अपने समय में वो पॉलिसी नहीं बना पाए उनके लिए, जबकि उनके समय में भी एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है और जो कंप्यूटर शिक्षक है बीजेपी सरकार में लगे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए पॉलिसियां नहीं बना पाए। हमने सत्ता में आने के बाद 2000 रुपए तक मासिक बढ़ोतरी इनको इनके लिए की है। वैसे में हम एक अच्छी पॉलिसी इनके लिए देने वाले हैं, लेकिन कैबिनेट से अप्रूवल के बाद ही कोई जाएगा और सारे कानूनी पहलू क्या हार पड़ना है उसको सारी चीजों को देखा गया है और उसके बाद ही सारे प्रेजेंटेशन अब अगली कैबिनेट बैठक में जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें रखे जाएंगे।